नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैगजोन पर। और आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे अपना डेली करंट अफेयर्स का एक नया लेक्चर, जो कि हमारे 7 जनवरी के लिए होने वाला है। और 6 जनवरी वाला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम कल की तरह 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, 10 इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। और ये 10 इंपॉर्टेंट MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे RRB JEE 2019 के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन डेली चेक करते रहिए। वहाँ हम लोग शेड्यूल बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं अपना नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और GA या फिर जनरल अवेयरनेस का शेड्यूल। कब कब हमारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसका पूरा शेड्यूल आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मिल जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो हम लोग अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज भी चेक करते रहिए। हमारा यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में भी कोई भी नया वीडियो आने वाला होता है, तो हम लोग उसको कम से कम 4 से 5 घंटा पहले, आप कोशिश करेंगे और पहले, उसका इंफॉर्मेशन वहाँ पर अपलोड कर दिया करें। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज SSC JEE, RRB JEE, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड हैं। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्षने के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द दोलाइतबी बैराज प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ ऑन 4 जनवरी। तो देखिए, 4 जनवरी का सवाल है, बहुत लेटेस्ट सवाल है, 4 जनवरी 2019 का। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, दोलाइतबी बैराज प्रोजेक्ट, ये बनाया गया है हमारे मणिपुर में। तो और मणिपुर जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है, तो हमें याद रखना है मणिपुर। मिजोरम भी वहीं पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट टॉप्ड अमंग द इंडियन स्टेट्स इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ सिंगापुर्स एशिया कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट्स ACI। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको फुल फॉर्म भी पता चल रहा है, सिंगापुर्स एशिया कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट्स, तो ACI, एशियाज कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा, सिंगापुर ने उसे लेटेस्ट रैंकिंग दी है एशियाज कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट्स में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर बहुत अच्छा है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया FSSAI, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये एब्रीविएशंस भी आ सकते हैं। तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड फूड बिजनेस टू कॉम्प्लाई विद द न्यू पैकेजिंग रेगुलेशंस दैट बार यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स एंड न्यूज़पेपर्स टू रैप फूड आर्टिकल्स बाय। तो मतलब अब जो हमारे फूड आर्टिकल्स जिसमें लपेटे जाएंगे वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होगी और न्यूज़पेपर्स में लपेटे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक है वो बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का, तो उसे हमें घटाना है, प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है। तो उसके लिए हमारा 1 जुलाई 2019 से ये FSSAI ने ये चीज़ लागू कर दिया कि हमारे जो भी खाने की चीज़ें हैं वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक और न्यूज़पेपर में रैप किए जाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए या फिर वन ऑप्शन, जुलाई 1, 2019। अगला देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब पूरा 100% बिजली वहां पर आएगी अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत आंध्र प्रदेश में किस मतलब देखा जाए डिस्ट्रिक्ट में 100% पूरे सब घरों में बिजली पहुंचाई गई सौभाग्य स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यह ईस्ट सियांग, ठीक है, तो यह है आपके ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां पर हर घर में बिजली आपकी पहुंचाई गई, और यह आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत आया।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा लेक्चर शुरू होने से पहले पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, तो जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लिया करिए। 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो उससे आपको इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कोई मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। जितना हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो मोर देन इनफ होने वाला है आपकी प्रेपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 11 प्रोजेक्ट्स टू रिवाइव द मिथिकल सरस्वती रिवर ऑन 2 जनवरी 2019। तो देखिए एकदम ही करंट को क्वेश्चन है ये, 2 जनवरी 2019 को विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने 11 प्रोजेक्ट्स निकाले जहां पर सरस्वती नदी जो है उसको रिवाइव करना है, उसको वापस लाना है। और आपको पता है कि अलाहाबाद में जो अभी कुंभ हो रहा है, और अलाहाबाद आपका प्रसिद्ध है, इसको प्रयागराज का नाम, अब इसका नाम चेंज हो गया, प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया। तो किस तारीख को ये प्रयागराज हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा संगम है वो 3 नदियों का मिलन एक्चुअली होता है, 3 नहीं 2 होती हैं, गंगा और यमुना। और ऐसा माना जाता था कि इनके बीच में सरस्वती नदी है, लेकिन अब वो लुप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने 11 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है ताकि सरस्वती नदी को वापस से रिवाइव किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स वर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इन 2018 अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अब देखिए ये भी यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म, दूसरा आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट कब लागू हुआ था 1958 में, और कितने मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, 6 को डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है हमारा, 6 मॉन्यूमेंट्स को हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड और नेशनल इंपॉर्टेंस के दायरे में लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द बिल पास बाय द पार्लियामेंट दैट सीक्स टू डू अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी इन स्कूल्स ऑन 3 जनवरी 2019। तो नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब स्कूल में किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता, पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ऐसा उस बिल का नाम बताइए जो कि पार्लियामेंट ने पास किया। तो उस बिल का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2018। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था और ये फाइनली 2018 में लॉन्च किया गया, 2018 में लागू किया गया। तो इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इस बिल का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपलसरी एजुकेशन होगी बच्चों के लिए, और इसका अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर हमें नोट करनी है। अगला देखिए, इंडियन बैंकिंग सेक्टर विटनेस्ड ओवर व्हाट परसेंट हाइक इन साइबर फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एज पर द RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2017-18। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने पिछले वर्ष मतलब 2017-18 वर्ष में साइबर फ्रॉड मतलब इंटरनेट से होने वाले जितने भी धोखाधड़ी हैं, लाइक पैसे चुरा लिए या डेटा चुरा लिया या किसी का अकाउंट हैक कर लिया, ये सब जितने चीज़ें होती हैं ये हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब ये हमारे साइबर फ्रॉड में आते हैं, और अगर पैसे से रिलेटेड है तो वो फाइनेंशियल हो जाएगा। तो कितने परसेंट हाइक हुआ, 50% ऐसे मामले और ज़्यादा बढ़ गए जहां पर हमारे साइबर फ्रॉड्स हुए 2017-18 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बताया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द इंडियन हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट विजन। तो एम्प्यूटी का मतलब होता है उसका कोई एक अंग जो है वो निकाल दिया गया, या तो हाथ हो सकता है या तो पैर हो सकता है, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका माउंट विंसन द हाइएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका की जो हाइएस्ट पीक है, देखिए उसका नाम भी पता चल गया, माउंट विंसेंट, और पहली अपंग जो महिला है जो उस पर चढ़ी वो थी हमारी अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा। तो क्योंकि 10 कदम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सबके साथ। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन 2 जनवरी 2019। तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस 2 जनवरी को कौन चुने गए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। तो यहाँ से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जस्टिस आसिफ सईद खोसा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो यहाँ पर कौन से भारतीय आपके पहले इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन बने जिन्होंने एक शतक जड़ा, कहाँ पर जड़ा, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, 4 जनवरी 2019 को। तो सही आंसर है यहाँ पर ऋषभ पंत, तो वो ऋषभ पंत है जो कि इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When did the United Nations observe the first official World Braille Day remembering the birth anniversary of Louis Braille है, the inventor of Braille for visually challenged people। तो सॉरी ब्राइल नहीं होता, ब्रेल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ब्राइल भी कहते हैं। तो ब्रेल जो होता है मतलब आँखों से उतना अच्छे से देख नहीं सकते, या जो अंधे होते हैं, या जो जिनकी आँखों की रोशनी बहुत कम होती है, तो उनके पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है हमारा January 4। तो देखिए इनको जब लॉन्च किया गया तो ये थी हमारी 4 जनवरी, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आ सकता है बिल्कुल हमारे RRB जेई 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द इंडियन बैट्समैन हु हैज फेस्ड द हाईएस्ट डिलीवरीज इन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया विद 1258 बॉल्स बीटिंग इंडियंस फॉर्मर कैप्टन राहुल द्रविड़ स्कोर ऑफ 1203। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर है चितेश्वर पुजारा। तो चितेश्वर पुजारा वो इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने हाईएस्ट डिलीवरीज इन अ टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो हुई थी 1258 बॉल्स इन्होंने खेली, बीटिंग इंडियाज फॉर्मर कैप्टन राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड जो कि 1203 बॉल्स का इन्होंने यहाँ पर तोड़ा है। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स हैव अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सेंटर्स प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ऑन 31st दिसंबर। तो कितने स्टेट्स ने 100% दिया, ये मतलब ये अचीव किया है, ये है हमारे 25 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% घरों पर बिजलियां पहुंचाई हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। अगला देखिए, Where was the 5-day long Indian Science Congress ISC 2019 inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi? तो ये हमारा लॉन्च किया गया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जलंधर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीं पर उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने ऐड करी थी उसमें, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑलरेडी बोला था। तो यहीं के साथ हमारा ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसी की तरह डेली बेसिस पर हम लोग आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस ज्योग्राफी हिस्ट्री मैथ्स रीजनिंग सबके लेक्चर धीरे धीरे लाने वाले हैं अपने चैनल पर। और हमारा चैनल एक ऐसा स्पॉट होगा जिसे छोड़कर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सारा मटेरियल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको कॉस्ट नहीं देना है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और टेक्निकल हम लोग शुरू करेंगे जस्ट गेट के बाद अपना, और वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे RS खुरमी और RK जैन के सवाल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स के साथ हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, क्योंकि मैगजोन पर जितना भी कंटेंट है बहुत क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत कम लेक्चर्स अपलोड करते हैं लेकिन हम लोग हमेशा उनमें क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को अगर ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।